ये देखो भाई कौन सा चिड़िया भाई यहाँ आकर पोटी कर दिया है। इस कैमरे का टेस्ट होने वाला है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइस अभी हम जाने वाले हैं जैंतगढ़, जो कि मेरा गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। और वहाँ आज बाज़ार भी है, सैटरडे भी है, बाज़ार लगता है। तो आज हम जाने वाले हैं अपना गाड़ी का सर्विस कराने, जो कि हमें बाज़ार से कोई मतलब नहीं है, बस हमें जाना अपना गाड़ी का सर्विस कराने। मोबिल चेक कराएंगे और फिल्टर, उसके बाद हेडलाइट। सबसे ज़्यादा बीमारी इस गाड़ी का अभी है मेरे पास, तो वो है हेडलाइट, जो कि रात को चलाते वक्त हमें दिखाई नहीं देगा, तो भाई हम कहीं भी चला देंगे। तो उसको ठीक कराना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को जाना है 2-3 दिन बाद चैवासा। चैवासा के बाद मेरे को जाना है आगे और लंबा सफ़र में, और इसका मरम्मत कराते हैं। क्योंकि एक दिन जनकपुर से अपने घर आ रहा था, तो उस वक्त पे चेक कराया कि भाई जो मेरा गाड़ी का हेडलाइट है वो जल नहीं रहा है। आजकल BS6 में आता है, उसमें ऑटोमेटिक लाइट होता है कि भाई जैसे चाबी डालिएगा और एकदम लाइट जलने लगेगा। अभी हम जाएंगे सबसे पहले नहाने, नहाने के लिए लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर नहीं यार है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 100-200 मीटर पे तालाब है। गांव देहात में आधा से ज़्यादा आपको तालाब दिखेंगे। ये हम जाने वाले हैं फ्रेश होने के लिए तालाब, नहा धोएंगे और रेडी होते हैं सबसे पहले। तो उसके बाद मैं अपने बुआ को स्कूल से लेते हुए हम निकलेंगे जैंतगढ़ के लिए। अभी मैं इसको चेक करने वाला हूँ, जो कैमरा है इसका वाटर प्रूफ टेस्ट किए नहीं है, टेस्ट यानी खाने वाला टेस्ट नहीं, उसको वाटर प्रूफ में टेस्ट करना है, डुबोना है भाई, डुबोना है। तो मेरे पास केस है, उसमें डालेंगे, उसके बाद इसका वाटर प्रूफ टेस्ट करेंगे। तो गाइस अभी हम चाबी तो लेके आए, और भाई ये देखो, ये रहा BX6 का हेडलाइट, और इसको अभी हम चेक करने वाले हैं चाबी डाल के। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चाबी डाल देते हैं। और तो सबसे पहले इसको डालते हैं ऑन पे, ऑन हो गया, यहाँ पे लाइट जल रहा है। लाइट जलने के बाद अब हम इसका पता लगाते हैं भाई क्यों नहीं जल रहा है। देखो ये जो है BS6 का ऑटोमेटिक जलने वाला लाइट, अब जल नहीं रहा है, इसको मरम्मत करने जाना है, इसका मरम्मत करने डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे। तो भाई साहब ये क्या है भाई, ये खड़े खड़े मेरा गाड़ी में क्या है, ये देखो भाई कौन सा चिड़िया भाई यहाँ आकर पोटी कर दिया है एकदम। देखो अभी तक तो कहीं चिड़िया भी नहीं दिख रहा मेरे को भाई, मार दिया अभी थोड़ा देर पहले ही था ना ये वाला, और भाई एकदम कर दिया भाई इसमें पोटी। इसको साफ़ भी करना होगा गाड़ी को, तो सब साफ़ करेंगे। और अभी दिखाते हैं आपको दूसरा लाइट जल रहा है, जो पास लाइट होता है वो जल रहा है, दिख रहा है आपको। और आपको दिखाते हैं, ये देखो भाई ये जल रहा है, लेकिन जो ऑटोमेटिक वाला है वो जल नहीं रहा है। चेक करेंगे और जाने वाले हैं जैंतगढ़, तो सबसे पहले फ्रेश होते हैं, बने रहना वीडियो में अंत तक अपने। तो गाइस अब हम जा रहे हैं नहाने, नहाने के लिए 100-200 मीटर पे जाना होगा, और वहाँ पे एक तालाब है। ये मैंने ले लिया केस, वाटर प्रूफ केस, जो कि इसका आज इस कैमरे का टेस्ट होने वाला है, IZI-1+ का। और साथ में ये बल्टी है, बल्टी के अंदर में गमछा और साबुन वगैरह है। तो गाइस ये देखो भाई, ये रहा हम लोग का यहाँ का छोटा सा तालाब। छोटा गाइस हम फाइनली पहुँच चुके हैं तालाब, और अभी नहाने वाले हैं। तो नहाने से पहले भाई देखो ये केस है, जो ये कैमरा है अब इस केस में डलने वाला है, उसके बाद भी इसका वाटर टेस्ट करेंगे। लेट्स गो गाइस, सबसे पहले पता करते हैं ये सांस ले पाता है या नहीं, और सांस ना ले पाए भाई समझ लो ये एकदम फ्रॉड है, और मेरा पैसा ऐसे ही चला गया। और अगर सांस ले पाता है तो ठीक ठाक है, जिंदा बचा तो लेट्स गो, इसको पानी में डुबाते हैं, डुबा के ठीक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले डालते हैं केस में, उसके बाद टेस्ट करते हैं वाटर टेस्ट। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था, बट उस वक्त पे माइक नहीं कैच कर पा रहा था, क्योंकि वो केस के अंदर था, और यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, रिस्क भी था, क्योंकि अगर पानी चला गया कैमरे में तो भाई बहुत ज़्यादा मेरा नुकसान हो सकता था। और फिर भी मैंने रिस्क लिया, और ट्राई करते हैं आप लोग के लिए दिखाने के लिए कि भाई एक्चुअल में वाटर प्रूफ है या नहीं, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट कराया 2-3 बार, एकदम पानी के अंदर डुबाया, हालांकि यहाँ पे क्लियर वाटर नहीं था, मतलब पानी साफ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करा दिखाने का, और थोड़ा बहुत कैमरे में पानी झीलने का कि साफ दिखाई दे। तो गाइस अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और जाने के लिए 15 किलोमीटर दूर जैंतगढ़ के लिए, और मेरा गाड़ी का सर्विस कराना है, तो फटाफट से जाएँगे। और एक और मेरे पास है जो गाड़ी में खराबी है, स्पीडोमीटर जाम हो चुका है या पता नहीं तार निकल चुका है, तो काम ही नहीं कर रहा भाई मेरे को। जब भी मैं रेस लगाता हूँ तो मेरे को वो स्पीडोमीटर दिखाता नहीं है, तो शायद कोई प्रॉब्लम होगा, उसे भी बनवाना है। तो फटाफट से निकलते हैं, अभी मेरे बुआ को लेते हैं और उनको लेते हुए जाएंगे। और मेरे को 5 बजे से पहले भी आना है, क्योंकि मेरा भतीजा और भांजी को रिसीव करना है ट्यूशन से, लोग गए हुए हैं बहुत छोटे छोटे हैं, लगभग 3 और 4 साल के हैं, तो उनको भी रिसीव करना है, उनको रिसीव करते हुए वापस आएंगे। तो मेरे को आना है लगभग 5 बजे से पहले,
तो फटाफट से अभी निकलते हैं स्कूल के लिए। तो गाइस अभी मैंने गाड़ी बनाने के लिए दे दिया है, हम आ गए हैं जयंतगढ़। और बाज़ार पीछे लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, इधर है ये वाला हिस्सा में, और आगे जो आपको दिख रहा है इधर पूरा इधर बाज़ार लगा हुआ है, और ये रहा जयंतगढ़। और पीछे जो आपको दिख रहा है ये सर्विस सेंटर है होंडा का, तो बनवाने के लिए दे दिए। टाइम लगेगा बोल रहे हैं आप, कितना टाइम लगेगा मेरे को नहीं पता, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। और तो गाइस ये जो आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथों पे, ये तार है स्पीडोमीटर का, और भाई ये अंदर से टूट चुका था, और इसी वजह से मेरा गाड़ी का जो भी स्पीडोमीटर वो दिखा नहीं रहा था, शो नहीं कर रहा था स्क्रीन पे। और मैंने यहाँ पे मंगाया स्पीडोमीटर का केबल और एक लाइट, जो कि ये लाइट अभी यहाँ पे चेंज होने वाला है, एकदम खाली हो रखा है अंदर से। तो मैंने जो मेरा हाथ में है अभी ये फ्यूज वाला लाइट है, बल्ब है, और इसको हम लगाने का कोशिश कर रहे थे। मैंने थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया लाइट मारने का, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा गाड़ी सर्विस, जो भी है जो भी काम था, बल्ब और स्पीडोमीटर और प्लस वो सब ठीक था, लेकिन बल्ब और स्पीडोमीटर का तार लगवाएं, मिस्त्री कहाँ लेके चला गया हम लोग का गाड़ी। तो ये रहा सर्विस सेंटर जयंतगढ़ का होंडा शोरूम, अभी जाएंगे थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग यानी कि बैग लेंगे, उसके बाद एक दो को सब्जी लेंगे ना। अभी टाइम हो रहा है शाम का 4:30 बजे, और लगभग हम लोग को पहुँचना है 5 बजे से पहले, कोशिश करेंगे 5 बजे से पहले पहुंचने का। डोरेमोन वाला कैसे ये सब करें, छोटा छोटा बैग, हाँ ठीक है ना, हाँ छठी है ना, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को शेयर करो, मज़े करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।